हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश के नगर निगम अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, नगर परिषद रेवाड़ी और नगर पालिका सापला, धाड़ूखेड़ा और उकलाना और सिरसा में वार्ड नंबर 29 के लिए उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक हुआ। मतदान का अंतिम एक घंटा कोविड के लक्षणों वाले मतदाताओं के लिए रहा। कुल 137 वार्ड के लिए मेयर पद के लिए 56 और काउंसलर पद के लिए 575 उम्मीदवार मैदान में रहे। कोविड के मद्देनजर सभी पोलिंग बूथों पर मास्क, सैनिटाइजर, हाथ के दस्ताने और सुरक्षित शारीरिक दूरी का ध्यान रखा गया। सारे स्टाफ को कोविड के मद्देनजर सचेत रहने की हिदायत दी गई थी। अंबाला में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाला। वोट के बाद कुमारी सैलजा ने कहा कि अंबाला के वोटरों ने सफाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट डाला है। शहरी निकाय चुनाव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि जब से बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनी है तब से कांग्रेस के जो काम थे, जो प्रदेश के हित के लिए किए जा रहे थे, वो सभी ठप हो गए। अंबाला में कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी मीना अग्रवाल और उनके पति पवन अग्रवाल ने आईटीआई के बूथ नंबर 143 पर मतदान किया। अंबाला में कोरोना से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया गया। मौके पर मौजूद चुनाव अधिकारी ने बताया कि कोरोना संबंधित सभी दिशा निर्देशों की पालना की गई। रोहतक में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली। मतदाता कतार में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए खड़े रहे। वहीं कोरोना महामारी के चलते दिशा निर्देश का भी पालन किया गया। पंचकुला में भी नगर निगम चुनाव के तहत मतदान हुआ। पंचकुला के सेक्टर 20 फतेहपुर में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी उपिंदर कौर अहलुवालिया ने अपना मतदान किया। उकलाना में मतदान केंद्र के बाहर व्हीलचेयर की व्यवस्था न होने के कारण बुजुर्ग और लाचार मतदाताओं को भारी परेशानी हुई। अंबाला शहर के बूथ नंबर 171 पर फर्जी वोट डालने का मामला सामने आया है। फर्जी वोट डालने पहुंची एक महिला को पुलिस ने मौके पर ही पहचान लिया। मामले की सूचना मिलते ही अंबाला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक बूथ नंबर 171 पर पहुंचे। हालांकि अंबाला के उपायुक्त ने जानकारी दी कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। ये इस कार्यक्रम का 72वां और 2020 का आखिरी संस्करण था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नया सामर्थ्य पैदा हुआ है जिसका नाम आत्मनिर्भरता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सम्मान में सामान्य मानवी ने बदलाव का महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रवाह भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। पीएम ने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल की भावना को बनाए रखना है। प्रधानमंत्री ने इस साल का रेजोल्यूशन देश के लिए लेने को कहा। इसके अलावा उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की। रोहतक के मकडोली टोल टैक्स पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पीएम के मन की बात का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने थाली पीटकर पीएम मोदी की ओर से किए गए मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया। गुहाना के कतुरा गांव में किसानों ने थाली बजाकर पीएम की ओर से किए गए मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया और तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग है कि सरकार कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द करे। इसके साथ इस देश के किसान मजदूर का कर्ज मुक्त किया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। सत्यवान ने कहा कि 2014 के चुनाव के दौरान जब बीजेपी सरकार आई थी तो किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे जो कि आज तक पूरे नहीं किए गए।
मन की बात कार्यक्रम के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने ताली और थाली बजाई, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। झज्जर के डीगल टोल पर किसानों ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का थाली बजाकर विरोध किया। इस दौरान अलावत खाप के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के बीच कई खापों ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। जाखल के गांव तलवाड़ा के किसानों ने बर्तन पीट कर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध किया। किसान सुबह से ही गांव के गुरुद्वारा साहिब के बाहर इकट्ठे हुए और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत की, वैसे ही किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यमुनानगर के गोधाला स्थित पंचकुला रोड की नेशनल हाईवे मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का विरोध करते हुए थालियां बजाकर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि जब प्रधानमंत्री किसानों के मन की बात नहीं समझ रहे हैं तो किसान क्यों उनकी मन की बात सुने। चरखी दादरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने थाली बजाकर मन की बात का विरोध किया। महिलाओं ने इस दौरान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। पीएम मोदी के मन की बात का विरोध करने के लिए आंदोलनकारी किसानों ने ताली और थाली बजाकर अपना विरोध जाहिर किया। सिरसा के नेशनल हाईवे 9 पर भावदीन टोल प्लाजा पर किसानों ने तीसरे दिन भी टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त रखा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का विरोध किया। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए किसानों ने सड़क पर उतरकर ताली और थाली बजाई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है। किसानों ने सरकार को बातचीत का प्रस्ताव भेजा। किसानों ने बैठक के लिए 29 दिसंबर की तारीख तय की है। बता दें कि किसान लगातार 3 कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों ने बातचीत के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन उन्होंने अपनी लकीर भी खींच दी है। किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत तो करेंगे, लेकिन केंद्र पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पूरे एक हफ्ते का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तैयार कर रखा है। 29 दिसंबर को किसान 11 बजे सरकार से बात करने जाएंगे। किसान आंदोलन में ये दिन अहम रहने वाला है। अगर दोनों पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो किसान थोड़ी नरमी दिखा सकते हैं। वहीं 30 तारीख को किसान ट्रैक्टर से सिंगू से लेकर टिकरी और शाहजहांपुर तक मार्च करेंगे। किसानों का कहना है कि 31 और 1 तारीख को वो लोगों को सिंगू बॉर्डर पर बुला रहे हैं। किसानों ने कहा है कि लोग लंगर खाने और किसानों के साथ नया साल मनाने के लिए सिंगू बॉर्डर पर आए। दरअसल किसान बातचीत को तो तैयार हैं, लेकिन इस बार ये बातचीत शर्तों के साथ होगी। इस शर्त को किसानों ने सरकार को लिखकर भेज दिया है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनाए जाने वाले क्रियाविधि पर सबसे पहले चर्चा चाहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा अभी भी किसानों का जो है मुख्य चिंता है। निकाय चुनाव के मतदान के दिन भी अंबाला में बीजेपी को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। अंबाला शहर नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के कोला गांव में पोलिंग बूथ पर किसानों का विरोध देखने को मिला। किसानों का कहना है कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी का विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आगे प्रदेश के सभी टोल अनिश्चितकाल के लिए भी फ्री कराए जाएंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बाबा रामदेव, अंबानी और अडानी के भी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की बात कही और कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के जो भी कार्यक्रम होंगे उनका भी किसान हर जगह विरोध करेंगे। सुशासन दिवस के कार्यक्रम में विधायक का घेराव करने वाले किसानों पर FIR दर्ज की गई है। ग्वाला थाने में 40 से 50 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। किसानों पर उपद्रव, रास्ता रोकने, काले झंडे दिखाकर अपमानित करना और विधायक को जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन धाराओं में मामले दर्ज किए गए।
बॉर्डरों पर चल रहा किसानों के आंदोलन को एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है। वहीं टिकरी बॉर्डर का किसान आंदोलन सोशल मीडिया पर हिट हुआ। दरअसल सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन खूब छाया हुआ है। वहां मौजूद युवा 62 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किसानों के हित में प्रचार कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जिंद से 100 युवा संगठन के लोग पैदल चलकर किसानों को समर्थन देने टिकरी बॉर्डर पहुंचे। सभी जातियों के लोग पैदल जत्थे में शामिल हुए। युवा संगठन के लोगों ने कहा कि खेती और किसानी सभी जातिगत बंधनों से ऊपर है। हर धर्म और जाति के लोग खेती किसानी को बचाने के लिए एक साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेती में सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधार के लिए किसानों से बात होनी चाहिए ताकि ये किसान हित में हो। भिवानी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान पिछले 31 दिनों से बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रही है। सरकार कानून वापस लेने की बजाय उसमें संशोधन की बात कर रही है, जो कि किसानों को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द तीनों कानूनों को वापस ले, अन्यथा किसान यूं ही बॉर्डर पर बैठा रहेगा। वहीं विधायक घनश्याम सराफ मांग पत्र लेने पहुंचे। बहादुरगढ़ में एक वकील ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। वकील किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान वकील ने टिकरी बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर दूर जाकर जहरीला पदार्थ खाया। वकील ने पीएम मोदी के नाम एक पत्र भी लिखा, जिसमें लिखा था कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी है और वो इसके लिए अपना बलिदान दे रहा है। उसने अपने पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री कुछ लोगों के ही बनकर रह गए। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समर्थन में एक वकील ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर पूर्व सीएम हुड्डा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विधानसभा सत्र बुलाएं, जिसमें विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा। इस दौरान हुड्डा ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ताकि किसानों को बचाया जा सके। ये तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, इसलिए किसान लगातार धरने पर बैठे हुए। प्रदेश में कम कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 392 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 93 और फरीदाबाद में 41 नए केस सामने आए हैं। वहीं हिसार में 18 और सोनीपत में 30 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2865 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल 260,545 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 600 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर 17 में हीलिंग हेड ऑर्थोपेडिक क्लिनिक का उद्घाटन किया। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने ऑर्थोपेडिक क्लिनिक और फिजियोथेरेपी क्लिनिक का फीता काटकर शुरुआत की। इस मौके पर हीलिंग हेड ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में फ्री कैंप लगाकर लोगों की जांच की गई और इलाज किया गया। यहां पर बहुत ही हाई क्वालिफाइड डॉक्टर सुनील ढिंगरा और डॉक्टर स्तुति ढिंगरा द्वारा इलाज किया जा रहा है, जो कि पिछले 20 सालों से अपनी सेवाएं एशियन और अन्य हॉस्पिटलों में देते आए। इससे उन मरीजों को काफी राहत मिलेगी जो दर्द की वजह से ऑपरेशन करवाते थे। ऐसे लोग जिन्हें स्पाइन की प्रॉब्लम और ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आधुनिक मशीनों द्वारा उपचार करके राहत दी जाएगी। यमुनानगर के आवर्धन नहर में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। नहर में डूबने से कार चालक की मौत हो गई। आवर्धन नहर में पड़ी कार को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से शव और कार को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान सहारनपुर के चंद्रनगर निवासी विवेक कुमार के रूप में हुई है। सोना के गांव धुनेला के पास शनिवार रात चलती कार में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।